आज मैं आपको डिप्रेशन के बीमारी के बारे में बताने वाला हूं। डिप्रेशन के ऊपर काबू कैसे करें। आज दुनिया में कम से कम 15% लोगों को मानसिक बीमारियां हो रही है, और ऐसा अभी रिसर्च जो मालूम हुआ वो कहा जाता है, उसमें कहा जाता है कि 4 में से 1 व्यक्ति को अभी डिप्रेशन होगा। हर 4 के पीछे एक व्यक्ति को डिप्रेशन होगा। मतलब कितना कितना बड़ा रूप ये बीमारी धारण कर लेगी आने वाले कुछ साल में, ये आपको इस पर से मालूम पड़ेगा। डिप्रेशन जो है उसके 2 प्रकार रहते हैं, एक है न्यूरोटिक डिप्रेशन और दूसरा है एंडोजिनस डिप्रेशन या साइकोटिक डिप्रेशन। अभी एंडोजिनस डिप्रेशन क्या है और साइकोटिक, मतलब एंडोजिनस और साइकोटिक एंड न्यूरोटिक क्या है, यह मैं आपको बताता हूं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा न्यूरोटिक डिप्रेशन के बारे में। न्यूरोटिक डिप्रेशन जो है यह बहुत ही कम मात्रा का डिप्रेशन रहता है, मतलब उसमें उदासीनता कम रहती है, नर्वसनेस कम रहता है, मूड स्विंग जो है वो, मतलब मूड जो डाउन रहता है डिप्रेशन में वो डाउन उतना रहता नहीं है। तो ये जो व्यक्ति है न्यूरोटिक डिप्रेशन वाला, मतलब कम मात्रा का डिप्रेशन वाला, न्यूरोसिस वाला, तो वो उसको शाम को जरा डिप्रेशन ज्यादा मालूम होता है, सुबह उसको अच्छा लगता है, और उसको कभी कभी रोना आएगा, कभी काम करने की इच्छा नहीं होगी, भूख भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, नींद पूरी अच्छी आती नहीं है। और ये जो न्यूरोटिक डिप्रेशन है इसको रिएक्टिव डिप्रेशन भी कहा जाता है। तो ये डिप्रेशन वातावरण में कोई घटना हो गई उसकी वजह से होने की ज्यादा संभावना है, मतलब एग्जाम में फेल हो गया, परीक्षा में फेल हो गया, या कोई रिलेशनशिप में, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ गया, टूट गया रिश्ता, या बच्चा फेल हो गया, या कहीं बिजनेस में लॉस हुआ, या किसकी मृत्यु हो गई, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ वातावरण में प्रॉब्लम आ गया, तो उसके वजह से इसको, ये व्यक्ति को डिप्रेशन आता है। आज तो हमें कितनी सारी ऐसी बातें मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसमें हमको टेंशन आता है, तनाव आता है, और तनाव भी एक डिप्रेशन का कारण हो सकता है। तो काफी सारी बातें, मतलब बातें ऐसी है कि जैसे मोबाइल का काम नहीं करना हमारे लिए टेंशन का हो जाता है, मोबाइल चल नहीं रहा, या घर का फ्रीज बराबर चल नहीं रहा, ठंडा पानी नहीं मिल रहा, तो हमारे लिए टेंशन का होता है। तो ऐसी काफी सारी बातें रहती है कि जिसमें हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अभी ये काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा है, उसकी वजह से हमको टेंशन आता है, और टेंशन की वजह से चिंता, चिंता की वजह से डिप्रेशन ऐसा आता है। तो ये लोगों को मानसोपचार, मतलब साइकोथेरेपी, फिर उनके लिए मेडिटेशन का उपचार है, काउंसिलिंग है, और सम्मोहन उपचार है, मतलब हिप्नोथेरेपी या हिप्नोसिस है, जिसमें हम उसको हिप्नोटाइज कर लेते करते हैं पेशेंट, और हिप्नोटाइज करके उसको रिलैक्स करके उसके सबकॉन्शियस माइंड को सूचनाएं देते, सजेशंस देते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड को सजेशंस देके उसका उसका जो नर्वसनेस है वो हम दूर करते। तो वो व्यक्ति हमारे क्लिनिक में आता है, वहां हिप्नोथेरेपी या हिप्नो काउंसिलिंग कर लेता है, या फिर घर में उसको बोलते हैं कि भाई घर में जाके प्रैक्टिस करो, और कुछ मामूली सी उसको दवाइयां भी देते हैं, जैसे उसको नींद नहीं आ रही तो कुछ दवाई देना, तो या कहीं ये लोगों में बदन में दर्द होता है या ऐसा भूख नहीं लगती, तो ऐसा मतलब जो कि लक्षण है वो लक्षण का इलाज उतने पूर्ता हम करते हैं, और डिप्रेशन के लिए जो दवाई है वो दवाइयां भी देते हैं। तो ये हो गया न्यूरोटिक डिप्रेशन या रिएक्टिव डिप्रेशन। रिएक्टिव मतलब कुछ कारण की वजह से ये व्यक्ति ने रिएक्ट कर दिया। फिर दूसरा जो डिप्रेशन है उसको बोलते हैं साइकोटिक डिप्रेशन या एंडोजिनस डिप्रेशन। अब यह गंभीर प्रकार का डिप्रेशन या नर्वसनेस है या मूड डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है कि इसमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुख लगता है, मतलब इतना इतना उसको लगता है कि हमको समझता नहीं कि व्यक्ति इतना दुखी क्यों है, तो बहुत दुख हो जाता है, रोना आता है बार बार, भूख नहीं लगती, सुबह उठने से उसको इतना डिप्रेशन लगता है, उठते ही सुबह, एक तो उसको रात को नींद नहीं आती, या थोड़ी बहुत घंटा 2 घंटे नींद लग गई उसको लगता है कि अपने को नींद ही नहीं आई, और सुबह उठते उसको डिप्रेशन चालू हो जाता है, और फिर जैसे जैसे मतलब दिन ढलते जाता है वैसा वैसा उसको अच्छा लगने लगता है। इसमें काफी सारे लोगों में खुदकुशी के विचार आते हैं, तो खुदकुशी कर लो, कुछ लोग खुदकुशी करने की कोशिश भी कर रहे हैं,
तो ये बहुत गंभीर स्वरूप का मतलब वो बीमारी हो जाती है, क्योंकि समझो उसने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर लिया, तो और नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो उसके ऊपर हमको ज्यादा ख्याल देना पड़ता है। तो इसमें खुदकुशी के विचार, भूख नहीं लगना, उससे वजन कम हो जाना, फिर काम करने की इच्छा नहीं होना, ये व्यक्ति काम पे जाता नहीं है, घर में बैठे रहता है, किससे बातचीत नहीं करना, उदास उदास सा रहना, मतलब हमको भी ऐसा लगता है कि भाई इतना हुआ क्या इसको, इतना उदास क्यों है। कभी कभी ये लोगों को ऐसा ज्यादा रेस्टलेसनेस, घबराहट, बेचैनी ऐसी होती है, इधर से उधर उधर से उधर जाते हैं, और कुछ लोग तो बेड के ऊपर से उठते नहीं, फिर इतना ज्यादा सीरियस डिप्रेशन हो जाता है। तो ये जो डिप्रेशन है, ये रिसर्च के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि सेरोटोनिन लेवल्स एंड नॉरएपिनेफ्रिन लेवल्स, डोपामिन लेवल्स, मतलब ये जो केमिकल्स है ब्रेन में, केमिकल लोचा जो अपने मस्तिष्क में होता है, ब्रेन में होता है, ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स केमिकल्स की हमारे ब्रेन में कम हो जाती है, और कम होने के कारण से लोगों को ये डिप्रेशन होता है। तो एक ये लेवल्स कम होने का कारण है, दूसरा टेंशन की वजह से, तीसरा बहुत ज्यादा गहरा कोई प्रॉब्लम हो गया, एकदम अपने पार्टनर की, लाइफ पार्टनर की डेथ हो गई, पति पति की या पत्नी की डेथ हो गई, या घर में बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति एकदम सडनली मर गया, तो उस समय हो जाता है। या कभी कभी जैसा लेडीज में अक्सर दिखाया जाता है कि बच्चा पैदा होने के बाद में पोस्टमार्टम, वहां ये डिप्रेशन दिखाई देता है। तो ऐसे जगह काफी सारे लोगों में ऐसे डिप्रेशन है कि भाई, और वो गंभीर रूप धारण कर लेता है। अभी इसका जो इलाज है, वो इलाज है दवाइयों का मेनली, और दवाइयां जैसी सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन कम है, तो वो लेवल्स बढ़ाने की दवाई हम देते हैं, और वो दवाई जो है उसका असर आने को कम से कम 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। तो हमको ये मतलब पेशेंट और रिलीज को बोलना पड़ता है कि हम दवाई तो दे रहे लिख के, मगर इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, मतलब 2-3 हफ्ते लगेंगे आराम आने को, तो आपको सबूर धीरज रखना चाहिए। तो वह एक तो वो है, तो बाद में उसको साइकोथेरेपी जो मानसोपचार, वो उसका इलाज काउंसिलिंग से होता है, फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से इसका इलाज होता है, फिर हिप्नोसिस काउंसिलिंग, हिप्नो काउंसिलिंग की वजह से या हिप्नोथेरेपी के माध्यम से हम इसका हम इलाज करते हैं। अभी आरटीएमएस करके एक नई मशीन आई हुई है ना, आरटीएमएस, तो मशीन से डिप्रेशन का, ये टाइप के डिप्रेशन का इलाज होता है। ऐसे सारी काफी सारी है, मैं काफी बार हिप्नोसिस दवाई के साथ में साथ साथ यूज करता हूँ, कि जिसमें हम पेशेंट को हिप्नोटाइज करते हैं, उसका जो बाहरी मन है, कॉन्शियस माइंड, उसको थोड़ा डाइवर्ट करके सबकॉन्शियस माइंड को सूचनाएं देते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड को सूचना देते हुए उसका डिप्रेशन धीरे 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 निकल जाता है। इसमें ये डिप्रेशन जो है, कुछ कुछ लोगों को एक बार आने के बाद में कोई व्यक्ति ठीक हो जाता है, तो कुछ लोगों को साल, 2 साल, 3 साल के बाद में फिर डिप्रेशन का दौरा आता है, या कुछ लोगों को कभी मैनिया का दौरा आता है डिप्रेशन के बाद। मैनिया मतलब एकदम उन्माद, हर्षवायु, और उसमें बहुत ही हाइपर होना, और बहुत घूमना फिरना, बातें करना, मतलब इससे एकदम उल्टा। तो फिर ये जब मालूम है कि ये बायपोलर डिसऑर्डर है, मतलब डिप्रेशन मैनिया, डिप्रेशन मैनिया ऐसा हो रहा है ये, तो फिर उसको मूड स्टेबिलाईजर, मतलब भावना संतुलन करने की दवाई, वो अलग से आती है, तो वो उनको देना पड़ेगी दवाई, जिससे भावना ऊपर नीचे जो होती है वो होंगी नहीं। तो इस तरह का इसका इलाज पूरा पक्का होता है। जब उसको सुसाइडल थॉट्स, मतलब खुदकुशी करने के विचार बार बार आ रहे, या उसने खुदकुशी किया होगा, मतलब कोशिश की है, तो फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी देना जरूरी होता है। और इलेक्ट्रिक शॉक अभी तो नया, नए तरीके से हम जब देते हैं, तो हम पेशेंट को सुला के रखते हैं, उसको एनेस्थेसिया देते हैं, और एनेस्थेसिया देने के बाद में उसको करंट दिया जाता है ब्रेन को, तो ना पेशेंट को मालूम होता है, रुग्ण को मालूम होता है कि दिया करके, या उसके रिलेटिव को मालूम होता है, किसको मालूम नहीं होता। हम मतलब इतनी अभी अच्छी प्रोसीजर आई है कि कोई चिल्लाना चीखना कुछ नहीं होता है, शांति से होता है, और उसमें एक दो चार इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद में वो पेशेंट अच्छा हो जाता है। तो इस तरह की बीमारी है, आप, आपके परिवार में, आपके जाने पहचाने लोगों में ऐसा आपको कभी भी दिखाई देता है कि नहीं, ये डिप्रेशन में व्यक्ति जा रहा है, क्योंकि मैंने जैसा बोला क्या ऐसी है कि कुछ भी कारण, मतलब इतना सारा टेंशन है कि लोग छोटी छोटी बात के ऊपर डिप्रेस हो जाते। तो ये आपको सजग रहना पड़ेगा, आपके परिवार में, आपके जान पहचान लोगों में यदि आपको डिप्रेशन लगता है, तो उसका इलाज करना जरूरी है, क्योंकि अभी खुदकुशी के विचार उसको आते तो फिर तो अर्जेंट लाना जरूरी है। आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट है, उसको आप विजिट कर सकते हैं, या यूट्यूब के ऊपर काफी सारे मैंने वीडियोस डाले हुए,
आप वो भी देखो, सब्सक्राइब करो, फिर फेसबुक के ऊपर हमारा पेज है उसको भी आप देखो, लाइक करो, और व्हाट्सएप के ऊपर भी छोटी छोटी वीडियो इसके बारे में, तो आप इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। तनाव मुक्त हुआ आनंद जगह, ये मेरी किताब है, तो ये किताब आप यदि पढ़ते हैं तो उसमें काफी सारा ज्ञान आपको मिलेगा कि डिप्रेशन को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।